हाँ तो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? दिन है आज का 19 जून और टाइम हो रहा है 5:10। मार्केट में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई एंड होप आपने भी डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी को कैशन किया होगा। तो खैर चलिए वापस से अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो आज हम स्पेशली RTS एंड स्टॉक रैंक कॉम्बो के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह छोटा रखा है तो इसको एंड तक देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बेसिकली RTS इज स्टैंड्स फॉर रियल टाइम सेंटीमेंट। तो ओवरऑल सेंटीमेंट के साथ साथ रियल टाइम सेंटीमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। तो फर्स्ट थिंग, मार्केट में हाई RTS स्टॉक को स्पॉट करना है और उसके साथ अगर उस स्टॉक का डिफाइंड रैंक बिलो 10 है तो उसके अंदर आप लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं, वाइस वर्सा विथ शॉर्ट कॉल्स, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। इसे होगा यह कि मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो बट आपके स्टॉक का पैरामीटर्स आपके फेवर में हैं तो आपको उस पोजीशन के बारे में अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग मिलने पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है, हमें फुल स्कैन करना है और अभी तो मार्केट क्लोज है तो रनिंग मार्केट में आपको हर 10 या 15 मिनट में स्कैन करके देखते रहना है कि कोई सेटअप बन रहा है या नहीं। और अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया है तो उसके ऑप्शन वाइटल्स को आप रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी पोजीशन में उसी हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि स्टॉक में आपको 10 बजे के बाद ही एंट्री लेनी है, उससे पहले काफ़ी नॉइस होती है, आपने देखा होगा, एंड रैपिडली जो पोजीशंस चेंज होती रहती है तो नंबर स्टेबल नहीं होते उस टाइम पे। तो 10 बजे के बाद ही आप ट्राई कीजिए कि आपका कोई पोजीशन बन रहा हो तो उसमें लीजिए। ये बात हुई फुल स्कैन की, बाकी के फंक्शन भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं और उसके लिए आप हमारी बाकी की वीडियोज़ देखना ना भूलें कि हमने बाकी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा फंक्शन जो है वो आपके किस काम आ सकता है। सो वंस द स्कैन इज़ कम्प्लीट यू कैन प्रेस दिस बटन टू सी शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉल्स एंड हियर यू कैन सी टॉप 5 रिजल्ट्स ओनली। और बाकी के लिए आप नेक्स्ट पेज को मैन्युअली आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा आपको आपके सेटअप के हिसाब से सही बैठता है वहाँ पे। एंड वन थिंग टू रिमेंबर कि इस सीट पे आपको फिल्टर यूज़ नहीं करना है और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसे हटाना ना भूलें, अदरवाइज जो डिफाइंड जो कोड्स हैं वो काम नहीं करेंगे उसमें। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसको फिल्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिल्टर को आप बंद कर दें। ओके, तो आइए उसको आज के एग्जांपल से समझते हैं। आज हमारे रेडार पे आप देख पा रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस था और अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो आपने भी ये स्पॉट कर लिया होगा। देखिए बजाज फाइनेंस जो है करंट इसका 3% के आसपास है और RTS 19% है और फॉल 50% है। तो फर्स्ट थिंग क्या था, हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया उसके लिए, कॉल सेलर्स यहाँ पे 50% है तो PCR इस स्टॉक का 1 है विच इज़ ए पॉजिटिव साइन एंड ऑल्सो द ओवरऑल ट्रेंड इज़ पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक। PCR इज स्टैंड फॉर पुट कॉल रेशियो, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड थिंग जो है, मैक्स जो ऑप्शन सेलिंग थी वो थी पुट साइड पे। तो सेकेंड थिंग, आज मैक्स ऑप्शन सेलिंग पुट साइड में था, सो डिस्पाइट द मार्केट सेंटीमेंट्स आर नेगेटिव द रिटेल ट्रेडर्स वर ऑन शॉर्ट साइड एंड यू नो दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव फ्रॉम बिग प्लेयर्स इफ द सेटअप इज लाइक दिस। तो सेटअप तो यहाँ मिल गया है कि आज हमें इसे लेना है क्योंकि आज ये रैंक 2 पे भी था और साथ ही साथ इसका RTS जो 19 था। रिपीटिंग अगेन दैट RTS इज मोर देन 15 एंड रैंक बिलो 10 इज रियली गुड फॉर लॉन्ग पोजिशन, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि स्ट्राइक कौन से चुने, तो उसके लिए आप वॉल्यूम गेनर स्ट्राइक्स को देख सकते हैं। तो आज की जो वॉल्यूम गेनर जो स्ट्राइक थी वो 7300 की थी यहाँ पे। तो बेसिकली इन स्ट्राइक पे लिक्विडिटी अच्छी होती है एंड ड्यू टू दैट द प्राइस ऑथेंटिक होते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि स्लिपेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो स्लिपेज नहीं होता यहाँ पे। चलिए आपको मैं यहाँ पे इसको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के मूव को इतना अच्छा खासा मूव दिया है एंड टुमारो ऑल्सो विल बी ए गुड डे फॉर दिस स्टॉक। तो इसी को यूज़ करते हुए बाकी के भी परफॉर्मिंग स्टॉक को का डाटा भी चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी मिली और कोई डाउट है तो आपको तो प्लीज़ हमें बताना ना भूलें,
so that we can guide you on that. And if any concern is correction is required, then we can do the changes here and share with you the new file also. So जल्दी से इस एक्सेल को फाइल को डाउनलोड करिए दिए हुए लिंक से, और इस वीडियो के एंड में हमें QR कोड भी दे देंगे जिससे आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ढूंढ सकते हैं उससे. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.